नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और मैं हूं अनुराग शाह। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स देश का अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बस कुछ ही कदम दूर है और इस टैक्स रिफॉर्म के शुरू होने के बाद देश की जीडीपी में तो काफी शानदार बढ़ोतरी होगी ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जीएसटी को लेकर देश के जो कारोबारी है उनके मन में कई सारे सवाल है कि किस तरह से जीएसटी इम्प्लीमेंट होगा, जीएसटी आने के बाद उन्हें अपने कारोबार में किस तरह के बदलाव करने पड़ेंगे। तो इन्हीं सब तरह की जो मुश्किलें हैं इसी को ऊपर हम आज मुंबई के कुंभारवाड़ा इलाके में, जो कि देश की सबसे बड़ी स्टील की मंडी है, देश का सबसे बड़ा स्टील का बाजार है, वहां पर हम एक चौपाल लेकर आए हैं और इस चौपाल के अंदर हर सेक्टर के ट्रेडर्स हैं और वो ट्रेडर्स जीएसटी से जुड़ी अपनी समस्याओं को पूछेंगे और उस समस्याओं का जो हल है या उस समस्याओं का क्या सॉल्यूशन है उसका जवाब देंगे हमारे दो खास मेहमान एडिशनल कमिश्नर सर्विस टैक्स राजू सर। हमारे साथ जितेंद्र भाई भी है। जितेंद्र भाई, आपका राजू सर के लिए कोई सवाल होगा? जीएसटी वेलकम कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि मल्टीपल जो रिटर्न्स का इशू है, जो मंथली 3 रिटर्न्स भरने पड़ेंगे ऐसा हमें पता चला, साल में 36 और एक फाइनल रिटर्न 37 रिटर्न्स। एक आम व्यापारी, जो छोटा व्यापारी है, उसके पास ऑफिस स्पेस भी लिमिटेड है, इतने सारे रिटर्न्स कैसे भर पाएगा? सेकंड कंसर्न था एक बायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होनी चाहिए। अगर उसने टैक्स एक बार सेलर को दे चुका है, अगर उसने सेलर ने हमसे कलेक्ट करके नहीं भरा है तो उसकी जवाबदारी हमारी क्यों? और थर्ड सर, एक छोटे से शॉर्ट में बता देता हूँ, गवर्नमेंट ने अभी बिल पास किया है, एक्ट भी अभी तक बना नहीं है, जुलाई में लगाने की बात कर रहे हैं, अभी तक अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास कोई इसका कोई भी ढांचा नहीं है, ऑफिसर्स के पास भी कोई डिटेल नहीं है इसके बारे में, इसके लॉज के बारे में। तो क्या बहुत जल्दी नहीं होगी? क्या हमें एक 3 महीना 4 महीना और एक्सटेंड करके लोगों को अवेयर करना चाहिए? नहीं तो जैसे वैट में हम लोग फंसे थे, फिर क्या हम नहीं फंसेंगे? द मेन पर्पज ऑफ मी कमिंग हियर इज टू इंडिकेट टू यू एंड टू अपील टू यू एज टू हाउ द गवर्नमेंट हैज टेकन सो मेनी एफर्ट्स टू क्रिएट जीएसटी अवेयरनेस अमंग दी tax paying community and also how the GST awareness is going to help you and the department is standing in support to provide you hand holding support to you. For instance, in Mumbai service tax zone alone we have more than 3 lakh assessees. Out of that active assessees 1.7 lakh. Inhone ke liye reach out karne ke liye and all the 7 commissionerates under the leadership of our chief commissioner Shri Piyusha Patnaik sir, we have all the commissioners have taken various steps. One particular step is GST migration mela. This was conducted on 6th 7th 8th 9th. Saturday Sunday mein bhi humne apna office khol kar we have kept the GST migration mela. We have invited the assessees, we have made phone calls. You can say 1,70,000 phone calls were made because all the assessors have been approached. We converted our offices into BPOs. Even I have made phone calls, even commissioners also have made phone calls to the assessors that there is a need to migrate to the GST portal. And once you get migrated, you will have all the legal benefits available to you, like hoardings, banners, pamphlets, and through special couriers, invitations to attend the GST Mela, we have established. Not only that, we have also the service tax department in Mumbai, not only here in Mumbai, in all over the world under the leadership and directions of the member and special secretary to the government of India, Shri S. Ramesh sir, we have introduced even mobile Kendra, mobile GST Seva Kendra. And Seva Kendra in each office is located and it is attending to the assessees. So therefore now 52% of the assessees have already migrated to GST. So there is an awareness. Migration is not about something as a process. It is a major awareness campaign ke dwaran hum ye migration ke aapko leke aana jaate the. So awareness is not that common people are not understanding. In any case, the government from the highest level, even Honorable Prime Minister said that we have to conduct road shows and all. So we, the entire government, though I am not competent to say, I am just saying how we are concerned and we are interested and putting efforts to bring about awareness.
यू सी द फ्रीक्वेंटली आस्ट क्वेश्चंस द काइंड ऑफ वेबसाइट अपना सीबीएसई का वेबसाइट देखिए सो मच ऑफ इंटरव्यूज ऑफ द चेयरमैन मेंबर सर्विस टैक्स एंड वेरियस यूट्यूब्स एंड यू नो सो मेनी डीओ लेटर्स and various programs are and entire program entire GST law and you know frequently asked questions everything is uploaded we are creating awareness at an unprecedented scale it is na bhuto na bhavishyato aisa level par humne awareness create kar diya and it is going on वक्त हो चला एक ब्रेक का अभी तक हमने जाना कि किस तरह से सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट है लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए माइग्रेशन करने के लिए किस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं ऑफिसेज सैटरडे संडे को भी खुले रहे हैं हमारी इस जीएसटी चौपाल में अभी तक आपने देखा कि किस तरह से ट्रेडर्स जो है वो अपने जो शिकायतें हैं या फिर किस तरह का जो कन्फ्यूजन है उस पर क्लियरिटी ले रहे हैं लेकिन मैं अपना एक पर्सनल सवाल ये भी पूछना चाहूंगा सर जैसा कि हमने देखा ज्यादातर जो व्यापारी हैं वो बता रही है कैसे होगा किस तरह से इसको किया जाएगा लेकिन आप एक एडिशनल कमिश्नर के तौर पे अभी बताना चाहेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे जीएसटी आने के बाद जो अभी शायद तक कारोबारियों को नहीं दिख रहे हैं लेकिन जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तो जो उसके बेनिफिट्स होंगे शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक वो किस तरह के बेनिफिट होंगे और कितने फ्रूटफुल होंगे यस आई वाज टेलिंग दैट वी हैव बीन कंडक्टिंग अवेयरनेस प्रोग्राम सी एन अनप्रेसिडेंटेड स्टेप वी हैव टेकन इवन वी हैव गॉन टू द हॉस्पिटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द पैम्फलेट्स and postals and bus stands everything this is to bring a kind of education and awareness among the people the taxpayers you are the contributors for the exchequer you are building the nation joseph sumpeter the great economist he said the industry is the dynamic force the prime movers and shakers of the economy so he was calling for a kind of entrepreneurial you know spirit that is what you are doing therefore the awareness is being imparted now why gst is and what is the benefit if you ask I will take a example from the purana and itihasa ravan brahma had 10 heads and 10 heads 10 types of taxes you had all the time difficulties now it is like you know ram only one and one tax GST is like that 10 chodo ek hi tax par aa jao this is the idea of this tax one nation one tax yes आपका कहने का मतलब ये कि अभी जिस तरह से टैक्सेस लग रहे हैं व्यापारियों को लग रहा है कि टैक्सेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे लेकिन रियलिस्टिक वे में अभी जितना टैक्स दे रहे हैं उससे कम टैक्स देना पड़ेगा सर जैसा कि अभी आपने कहा कि सब कुछ कंप्यूटराइज होगा लेकिन देश के अंदर करोड़ों ऐसे व्यापारी है छोटे छोटे व्यापारी है छोटी छोटी दुकानें हैं जिन्होंने कंप्यूटर कभी यूज नहीं किया तो क्या इसके बाद हर किसी व्यापारी के लिए कंप्यूटर रखना जरूरी हो जाएगा या फिर कोई व्यापारी जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो वो क्या जाएगा उसका तो क्या अकाउंटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा कंप्यूटर तो लेना ही पड़ेगा हाँ राजू सर आप यू कैन ऑल्सो अवेल द सर्विस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड टैक्स रिटर्न्स प्रिपेयरर्स सो देयरफॉर इट इज नॉट अ बिग डिफिकल्टी एज यू सेड के 6 महीने के अंदर अंदर इफ आई डोंट गिव पेमेंट टू माई बायर आई एम लाइबल टू पे हिज टैक्सेस बट अगर मैं उसको पेमेंट दे देता हूँ एंड आफ्टर दैट ही इज नॉट पेइंग टैक्सेस देन वेयर डू आई हैव माई राइट्स सो देयर इज द इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म इज देयर ऑडिट इज देयर एंड नाउ यस माई फ्रेंड राइटली सेड इनवॉइस मैचिंग एवरीथिंग इज देयर सो इट इज नाउ अंडर द न्यू रेजिम विच इज गोइंग टू बी मोर डिजिटल कंपल्सरी डिजिटल इट वुड बी gone it would be counted the days would be counted for those who are trying to cheat the public purse so you have paid it you will see that he is being taxed properly that is the way the mechanism is going to be तो वक्त की हमारे पास कमी है तो कार्यक्रम को यहीं हम समाप्त करेंगे तो जिस तरह से आपने इस चौपाल में देखा कारोबारियों की व्यापारियों की जो जो समस्या थी हमारे एक्सपर्ट ने उसको क्लेरिफाई किया और जिस तरह से जो जीएसटी है एक नेशनल मूवमेंट है नेशनल रिफॉर्म है तो शुरुआती तौर पे थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये काफी ज्यादा गेम चेंजर होगा और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बढ़िया से बढ़िया तरीके से और इसी के लिए अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है अब सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद